अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। आई एम डॉक्टर महवेश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल वेयर वी टॉक अबाउट कैलोरी काउंटेड फूड एंड टिप्स एंड सजेशंस फॉर योर वेट लॉस। एनी, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने 1200 कैलोरी डाइट प्लान को स्टार्ट किया है, 7 डे डाइट प्लान है। आज चौथा दिन है उस डाइट प्लान का और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रूटीन, जिसके अंदर आप उसी लंच को एज अ डिनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पास में मैंने लिए हैं चॉकलेट ओट्स और साथ में एक चम्मच दही का। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर 3 भर के खाने के चम्मच आपने ओट्स डालने हैं। उसके बाद इसके अंदर 1 कप से थोड़ा सा कम दूध और 4 से 5 खाने के चम्मच पानी शामिल करना है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर शामिल करना है कोको पाउडर, 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स और इसको मिक्स करके आपने पका लेना है। जब इसके अंदर 1 से 2 उबाल आ जाएं और ये थिक हो जाए तो इसके अंदर आपने 1 खाने का चम्मच शहद शामिल करना है और मिक्स कर लेना है। इसको आप रात को भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह भी खा सकते हैं, ठंडा और गर्म जैसे कि आपका दिल चाहे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसके ऊपर 1 खाने का चम्मच दही शामिल करें। ये पाउडर है जिसके अंदर सौंफ है और फ्लैक्स सीड्स हैं, अलसी के बीज हैं और बादाम ग्राइंड किए हुए हैं और इसके ऊपर मैंने कुछ अलसी के बीज छिड़के हैं और इसको ब्रेकफास्ट लिया है। लंच में मैंने लिया है चिकन रैप डोनर स्टाइल में। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 1 प्याज जिसको आपने ग्राइंड कर लेना है, टमाटर का पेस्ट 1 चम्मच और दही चाहिए और इसको इसमें चाहिए आपको 1 चिकन ब्रेस्ट और वो बिल्कुल फ्रीज़ होना चाहिए। जितना ज़्यादा फ्रीज़ होगा उतने ज़्यादा पतले ये स्लाइस कटेंगे जो कि बिल्कुल डोनर या शवारमा स्टाइल के होंगे। उसमें आपने फ्रीज़ किए हुए चिकन को आपने बारीक बारीक पीसेस में काट लेना है, बिल्कुल पतले कटते हैं ये और जब एक साइड से कट जाए तो दूसरी साइड से काट लें क्योंकि ये काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिल्कुल फ्रीज हुए हुए होते हैं। लेकिन ये फ्रीज हुए हुए का ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत पतले बनते हैं बिल्कुल डोनर स्टाइल में। इसको एक बाउल में निकालें और उसके अंदर शामिल करें प्याज का पानी। आपने 1 प्याज को ग्राइंड करना और उसको छलनी में डालकर उसका सिर्फ आपने पानी इस्तेमाल करना है, उसका पल्प इस्तेमाल, उसका गूदा इस्तेमाल आपने नहीं करना। इस तरह से ये बहुत जूसी बनते हैं। फिर उसमें शामिल करें आप 1 खाने का चम्मच टमाटर का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच दही, 1 भर के चम्मच भुना पिसा जीरा, 1 कुटी लाल मिर्च और नमक हसबे जायका। ब्रेड के लिए आपको चाहिए 1/2 प्याज और 1/2 प्याज को काट कर उसमें 1 चाय का चम्मच ऑलिव ऑयल डालना है और 1 से 2 चुटकी सुमैक पाउडर डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप वैसे ही प्याज के अंदर ऑलिव ऑयल डालकर और थोड़ा सा लीमू शामिल करके सैलड सी बना सकते हैं। उसके बाद आपने 1/2 खीरा लेना है, 1/2 खीरे में से 1/2 को आपने चॉप कर लेना है और 1 खाने के चम्मच दही के अंदर उसको शामिल करना है। सॉस बन जाएगी और उसके अंदर 1 खाने के चम्मच दही शामिल करके इसके अंदर नमक और थोड़ा सा धनिया शामिल करना है और कुटी लाल मिर्च और भुना पिसा ज़ीरा शामिल करने के बाद इसको आपने मिक्स कर देना है और ये आपकी सॉस बन गई। बाकी के खीरे को आपने एज अ सैलड इस्तेमाल करना है। आपने 1 खाने का चम्मच ऑलिव ऑयल को ग्रीस करना है और उसके अंदर आपने जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसको आपने डाल देना है और 1 से 2 मिनट के अंदर ये एक साइड आपने पकानी है और तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाता है और बहुत ही थिन स्लाइसेज हैं जैसे कि डोनर के अंदर होते हैं, उसको आपने निकाल लेना है और बाकी के भी पका कर आप फ्रीज़ कर लें जिस तरह मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं। और साथ में आपने 1 मीडियम साइज़ की होल व्हीट रोटी बनानी है, उसके अंदर सॉस स्प्रेड करें। सॉस स्प्रेड करने के बाद उस पर प्याज की सलाद लगाएं, उस पर आप खीरे रखें, उस पर आप चिकन शामिल करें और सिरके के अंदर मिर्चें रखी हुई थी वो शामिल करें। चिकन आपने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, बाकी 5 से 6 सर्विंग्स बन जाती हैं। स्नैक्स में मैंने लिया है 1 मुट्ठी भर के भुने काले चने और साथ में 1 कप ग्रीन टी। आप ग्रीन टी के अंदर 2 से 3 कतरे लेमन के शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर कोई भी मीठा इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हनी ड्रिजल कर सकते हैं। डिनर के लिए मैंने उसी चिकन को लेटस रैप्स में कन्वर्ट कर दिया है विच इज़ एब्सोल्युटली लो कार्ब और इसको बनाने के लिए आपको चाहिए
वही चिकन, उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। फिर पुदीने की चटनी है, मैंने बाज़ार की इस्तेमाल किया, आप घर में भी धनिया पुदीने की चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने कैबेज लेनी है, चाइनीज़ कैबेज ली है मेरे पास, अगर नहीं है तो आप बड़े सलाद के पत्ते ले लें। आधी शिमला मिर्च, प्याज है आधा, और आधा टमाटर है, लीमू है, और इस तरह के सलाद के पत्ते, अगर आपके पास बड़े सलाद के पत्ते हैं तो उसके अंदर ही आप डालकर उसको रैप बना सकते हैं। सबसे पहले आपने खीरे को लेकर बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है, आपने शिमला मिर्चों को भी बारीक चॉप कर लेना है, टमाटर और प्याज को भी बारीक चॉप कर लेना है। टमाटर के बीज निकाल दें, उससे वो सौगी नहीं होता। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने जो आपके पास चाइनीज़ कैबेज है उसकी एक्स्ट्रा स्टेम्स को, जो सख्त होती हैं, उसको रिमूव कर दें, वरना सलाद के पत्ते इस्तेमाल कर लें या आइस बर्ग इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले चिकन की लेयर बिछाएं, उसके ऊपर सैलड डालें, उसके ऊपर चटनी डालें, आप कोई भी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया पुदीने की चटनी अच्छी होती है, और इसके ऊपर लीमू को छिड़कें, और ये आपका डिनर हो गया। जिस चिकन को हमने लंच और डिनर में इस्तेमाल किया है वो टोटल 1 चिकन ब्रेस्ट की 6 सर्विंग्स है, जिसमें से 2 हमने इस्तेमाल कर ली और 4 को हम फ्रीज करके दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये थी हमारी चौथे दिन की रूटीन, आई होप ये रूटीन आपको पसंद आई होगी। लेकिन डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर आफ्टर पर डे, 8 ग्लास पानी के पीने हैं, और नाश्ते के साथ भी आप चाय ले सकते हैं और शाम के साथ भी आप चाय ले सकते हैं लो फैट मिल्क के साथ। आई होप ये डाइट प्लान आपको पसंद आ रहा है, आप इसको फॉलो कर रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।